हे गाइस, माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। मैं हूं आपका एजुकेटर। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे तीन बातें करने वाला हूं और उन तीन बातों को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और क्यों देखना है, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद पूरे वीडियो के कंक्लूजन तक पहुँच नहीं पाते और कमेंटबाजी जो है करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को कई लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि वहाँ पे किसी स्टेट को बदनाम किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करी और वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए कुछ इनलीगल लोगों की वजह से या एक्टिविटीज़ की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मिसअंडरस्टैंड एनीथिंग। जब भी आपके पास कोई चीज़ आती है तो कम से कम उसे पूरा देखे, समझे, सोचे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इमोशनल हो के ना जो है कमेंट करें। दूसरा पॉइंट, उन सभी लर्नर से जो है ये रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिन्हें दुख फील हो रहा है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ये सारी चीज़ें हो रही, तो वो दिन भर से इसी टॉपिक पे लगे हुए हैं। मैं उन सभी लर्नर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप किसी भी कुछ लोगों, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जिन्होंने ये इलीगल एक्टिविटीज़ अगर करी है, तो उन इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी काम करके वो चले गए हैं, आप उसके चक्कर में पूरे स्टेट को बदनाम करो या उन लोगों को बदनाम करो जो एक दो AIR टॉप पे आए हैं, आप उनके पीछे लेके पड़े हुए हो, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, ना ही आपका फ्यूचर। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ और मैं अभी भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, योर फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। दूसरों पे फोकस करने की बजाय आप खुद पे फोकस करो। यहाँ पे आप ये सब दूसरों को बदनाम करना, बदनाम आई मीन टू से कि ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ करके टॉप किया किया, ठीक है, जिस स्टेट में ये हुआ हुआ, उससे पूरा स्टेट जो है गड़बड़ नहीं हो जाता, या उससे जो है आप सिर्फ उन लोगों पे टारगेट कर रहे हो कि इसने ऐसा बुरा किया, इसने ऐसा बुरा किया, इसने, इससे क्या बदलेगा, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, स्टॉप फोकसिंग ऑन अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग द स्टेट्स, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। इफ यू आर रियली थिंक दैट कि हाँ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोचा है, कुछ गोलमाल है CSIR के इस पर्टिकुलर रिजल्ट में, तो यू हैव थर्ड ऑप्शंस। रैदर देन ब्लेमिंग, ब्लेम गेम खेलने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय जो है, या फालतू के डिस्कशंस करने की बजाय ग्रुप में, तो इन सब से बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें जो है CSIR को बताएं, ठीक है। उसके लिए आपके पास दो तीन जरिया है। पहला तो कॉल है, CSIR की वेबसाइट पर नंबर अवेलेबल है, उन नंबर्स के थ्रू जो है आप कॉल कर सकते हैं CSIR ऑफिस में। दूसरा उनकी मेल आईडी है, आप ये सारी चीज़ें जो आपस में डिस्कशन कर रहे हो प्रॉपर अटैच करके उनको मेल कर दे। और तीसरा ऑप्शन है ट्वीट करना, ट्विटर पे जाइए और वहाँ पे टैग करिए CSIR और NTA को और अपनी बात जो है वहाँ ट्वीट करिए, आप और भी ऑफिशियल्स को भी टैग कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में तीन मुद्दों पे आपसे बात करा। पहला मुद्दा ये है कि कभी भी इमोशनल होकर कोई चीज़ नहीं सोचना है, ये कभी भी किसी स्टेट या किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक जनरल इंसानियत के नामे या इंसानियत के मद्देनज़र रखते हुए ये बात हो रही है कि आखिर जो गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए। ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जिसमें कि हम कुछ लोगों को जो है वो पैसे की मदद से अगर हम रिजल्ट दे दे रहे हैं तो वो गड़बड़ है उन सभी लोगों के लिए जो बहुत ही मेहनत और बहुत डिजर्विंग होते हैं। दूसरी बात मैंने ये करी कि आप अपने ऊपर फोकस करिए रैदर देन दुनिया के ऊपर फोकस करने की बजाय कि ये यहाँ पे हुआ, वहाँ पे वो हुआ, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप कुछ नोटिस में लाना चाहते, आवाज़ उठाना चाहते, तो उसका तरीका है ट्वीट करना, मेल करना या कॉल करना, रैदर देन ग्रुप में डिस्कशन करना। सो ये तीनों चीज़ जो है, ये मैसेज अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।